बेटा जी, हमारा आज का सेकंड वीडियो इकोनॉमिक्स के सीपीटी के फर्स्ट चैप्टर के कॉमन पॉइंट्स इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं, उनके कुछ एमसीक्यूज़ हैं। आइए इन्हें सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी आईसीएआई की बुक का क्वेश्चन नंबर 9, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाइड नहीं, एग्रीगेट हाँ सुना हुआ लग रहा है, एक्सपेरिमेंटल नहीं सुना, नन ऑफ द अबव है नहीं, इट मींस आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। हाँ जी, पहला पॉइंट, इन डिडक्टिव मेथड लॉजिक प्रोसीड्स फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। तो आपको याद होगा डिडक्टिव मेथड में हम जनरल से कहाँ पर आते हैं? पर्टिकुलर पर। जबकि ये क्या बोल रहा है, पर्टिकुलर से जनरल, मतलब पहला पॉइंट है गलत। दूसरा, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर इंटरडिपेंडेंट। हाँ जी, आप लोगों ने अभी इससे पहले वाले वीडियो में, जो हमारा पहला वीडियो था, आपने उसमें देखा था कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों इंटरडिपेंडेंट होती हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, पॉइंट नंबर 3, यानी कि ये आंसर है वैसे तो, और देख लेते हैं। इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी द इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर सॉल्व्ड बाय प्लानिंग कमीशन। जी नहीं, ये कहाँ होता है? सोशलिस्टिक के अंदर। सोशलिस्टिक के अंदर प्लानिंग कमीशन काम करता है, कैपिटलिस्टिक के अंदर प्लानिंग कमीशन काम नहीं करता। पॉइंट नंबर 4, हायर द प्राइस लोअर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, यानी प्राइस बढ़ेंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, कम ऑफ अ प्रोडक्ट, इज नॉर्मेटिव साइंस। ये प्रॉब्लम है, हाँ जी, ये प्रॉब्लम है या उसका सॉल्यूशन? तो आपको याद होगा, एक थी पॉजिटिव साइंस, एक थी, या पॉजिटिव स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, एक तरफ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। आपको याद होगा पॉजिटिव साइंस क्या बोलती है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, जबकि नॉर्मेटिव साइंस क्या कहती है, व्हाट ऑट टू बी, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। इसका मतलब पॉजिटिव साइंस किसकी बात कर रही थी, प्रॉब्लम की, जबकि नॉर्मेटिव साइंस बात कर रही थी सॉल्यूशन की। आपको याद होगा पॉजिटिव साइंस में हमने पढ़ा था कि ये एक तरह का डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट होता है, जबकि नॉर्मेटिव साइंस में होता है प्रिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट। ऐसे ही जो पॉजिटिव साइंस है हमारी, पॉजिटिव साइंस जो है हमारी, पॉजिटिव साइंस के अंदर ये हमें वैल्यू जजमेंट में हेल्प नहीं करती, जबकि नॉर्मेटिव साइंस हमें वैल्यू जजमेंट में हेल्प करती है। तो हमारा ये पॉइंट क्या है, हायर द प्राइस लोअर द क्वांटिटी। तो हमें पता है प्राइस के बढ़ने पे डिमांड कम होती है, इसे बोलते क्या है, लॉ ऑफ डिमांड। ये प्रॉब्लम है या सिंपली स्टेटमेंट है? तो हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ये एक नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है, तो हम कहेंगे नहीं, ये नॉर्मेटिव स्टेटमेंट नहीं है, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है जो बता रहा है व्हाट इज, होता क्या है, प्राइस के बढ़ने पर डिमांड कम होती है, ये उसका सॉल्यूशन नहीं बता रहा। क्लियर? तो इसका मतलब, इसका आंसर क्या हुआ बेटा, आंसर हुआ इसका बी, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर इंटरडिपेंडेंट। क्वेश्चन नंबर 12, अ स्टडी ऑफ हाउ इंक्रीज इन द कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट। अब हम कह रहे हैं कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट तो पूरे इंडिया के ऊपर ये एप्लीकेबल है, अगर टैक्स रेट बढ़ जाएगा इंडिया के ऊपर, देन दैट विल इफेक्ट द नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज एन एग्जांपल ऑफ। तो यहाँ पर बात क्या कर रहा है, टैक्स रेट की। तो टैक्स रेट पूरी यूनिवर्स में, यानी अपने पूरे इंडिया की बात करें तो इंडिया लेवल पे है। तो ये कौन सा, क्या ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है? हाँ जी, आपने 12th क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स का पढ़ा था। क्या ये डिस्क्रिप्टिव, यानी क्या ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है? पता नहीं साहब, इसके बारे में हमें बात इसलिए नहीं करनी है क्योंकि हम बात कर रहे हैं ऊपर क्वेश्चन में क्या है कि हमें बताना है कि इनमें से क्या है। तो टैक्स वो बोल रहा है कि इंक्रीज हो गया, तो कह रहा है कि यह डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स,
तो डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स तो कुछ होती नहीं है, हाँ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जरूर होती है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स भी नहीं होती है बेसिकली। पॉजिटिव्स क्या होती है, साइंस या पॉजिटिव स्टेटमेंट होते हैं। ऐसे ही क्या ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है? जी नहीं। क्या ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है? एक बार फिर से हम इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट बोलते हैं। तो विच वन इज योर आंसर? मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी आंसर आपका क्या हो गया, ए। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 1313, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सजेस्ट अ मैक्रो इकोनॉमिक अप्रोच फॉर इंडिया। हाँ जी, तो सबसे पहले हम कह रहे हैं क्या चीज इसमें से मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं है, तो हमें क्या ढूंढना है कि क्या चीज माइक्रो है। तो पहला, डिटरमाइनिंग द जीएनपी ऑफ इंडिया, इंडिया की बात कर रहा है, क्या हो गया ये मैक्रो। फाइंडिंग द कॉज ऑफ फेलियर ऑफ एक्स एंड कंपनी, ए कंपनी की बात हो रही है माइक्रो। आइडेंटिफाइंग द कॉज ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया, इंडिया की बात कर रहा है, इंडिया में इन्फ्लेशन की, अगेन मैक्रो। एनालाइज द कॉज ऑफ फेलियर ऑफ इंडस्ट्री इन प्रोवाइडिंग लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट, तो पूरी इंडस्ट्री की बात कर रहा है, अगेन ये क्या हो गया मैक्रो। तो हमारा आंसर क्या हुआ इसके अंदर, कि क्या चीज मैक्रो नहीं है, तो पॉइंट इज बी, बी हमारा माइक्रो है, मैक्रो नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 1414, इकोनॉमिक गुड्स आर कंसीडर्ड स्केस रिसोर्सेज बिकॉज दे, इकोनॉमिक्स गुड्स की बात हो रही है, इकोनॉमिक गुड्स, तो पहला पॉइंट, कैन नॉट बी इंक्रीज इन क्वांटिटी, जी नहीं, हम जितनी चाहे क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर टू, डू नॉट एग्जिस्ट इन एडिक्वेट क्वांटिटी, हाँ भाई एडिक्वेट क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है, मतलब स्केस रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड है रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई सोशल रिक्वायरमेंट, जबकि हमारे यूजेस या हमारे रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, यानी रिसोर्सेज आर स्केस किसके कंपेयर में, यूजेस के कंपेयर में। तो क्वेश्चन क्या था, इकोनॉमिक गुड्स से रिलेटेड क्या बोल रहा था, इकोनॉमिक गुड्स आर कंसीडर्ड स्केस रिसोर्सेज बिकॉज दे डू नॉट एग्जिस्ट इन एडिक्वेट क्वांटिटी टू सेटिस्फाई सोशल रिक्वायरमेंट। तो पॉइंट नंबर बी कुछ सेटिस्फाई कर रहा है, पॉइंट नंबर सी आर ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस इन सेटिस्फाइंग सोशल रिक्वायरमेंट, जी नहीं, प्राइमरी इंपॉर्टेंस तो नहीं है, एंड आर लिमिटेड टू मैन मेड गुड्स, जी नहीं। हाँ जी, तो इस तरह से हमारा इसमें आंसर निकल कर आया, क्या आंसर इज बी, डू नॉट एग्जिस्ट इन एडिक्वेट क्वांटिटी टू सेटिस्फाई सोशल रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1515, फ्रॉम द नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स माइक्रो माइक्रो अप्रोच, तो देखिए इनमें से कौन सा माइक्रो है, पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया, क्या हो गई मैक्रो इकोनॉमिक्स। अंडर इंप्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर, पूरे सेक्टर की बात हो रही है, एक बार फिर मैक्रो। लॉकआउट इन टेलको, एक कंपनी की बात हो रही है, एक कंपनी की बात हो रही है, क्या हो गया ये माइक्रो। एंड टोटल सेविंग ऑफ इंडिया, अगेन क्या हो गया ये मैक्रो। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट ऑफ व्यू जो भी थे, हमें माइक्रो अप्रोच बतानी थी, तो इनमें से कौन सा है माइक्रो, लॉकआउट इन टेलको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3030, चॉइस इज क्रिएटेड बाय, चॉइस क्यों क्रिएट होती है, हाँ भाई क्योंकि रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, जी नहीं, अर्जेंसी की वजह से, जी नहीं, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज की वजह से, जी नहीं, स्कैसिटी, हाँ जी, अगर लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे पास हैं, लिमिटेड रिसोर्स हैं, इसीलिए क्या क्रिएट हुई, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो आंसर क्या हुआ हमारा, डी। क्वेश्चन नंबर 31, विच इज वन ऑफ द फ्यूचर कंसिक्वेंस ऑफ एन इंक्रीज इन द करेंट लेवल ऑफ कंजम्पशन, अगर लोग, हाँ भाई इनकम में से, लाइक 100 रुपीज की इनकम में से, आपको पता होगा 12th में पढ़कर आए हो, इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी हम कमाते हैं, खाते हैं और बचाते हैं, बचाया हुआ इन्वेस्ट कर देते हैं, जब 100 कमाए, 100 के 100 खा गए, सेविंग जीरो, इन्वेस्टमेंट जीरो, तो इन्वेस्टमेंट जीरो, तो क्या होगा, फ्यूचर में प्रोडक्शन कम होगा, जिसकी वजह से फ्यूचर में प्रॉब्लम अराइज होगी, राइट। तो ये देखते हैं इसके अंदर, पहला पॉइंट, स्लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ इन द फ्यूचर, हाँ जी यही मैं बोल रहा हूं कि फ्यूचर में प्रोडक्शन कम होगा, जिसकी वजह से फ्यूचर की इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाएगी, ग्रेटर इकोनॉमिक ग्रोथ इन फ्यूचर मतलब ही नहीं है। थर्ड, नो चेंज इज अवर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, जी नहीं, चेंज तो जरूर होगा, ऐसे ही ग्रेटर कैपिटल फॉर्मेशन इन दी फ्यूचर, तो फ्यूचर में जब इन्वेस्टमेंट ही जीरो है, तो ऐसे में कैपिटल फॉर्मेशन
नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, कैपिटल अकमुलेशन का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट। तो हमारा आंसर निकला इसमें ए, स्लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ इन द फ्यूचर। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग एंड डिसाइड विच इफ एनी इकोनॉमी विदाउट स्कैसिटी। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई इकोनॉमी विदाउट स्कैसिटी हो, यानी कि देखते हैं स्कैसिटी के बिना कोई इकोनॉमी। तो प्री इंडिपेंडेंट इंडियन इकोनॉमी वेयर मोस्ट पीपल वर फार्मर, तो क्या हमारे पास स्कैसिटी नहीं थी? जी वहां भी हमारे पास स्कैसिटी थी। एक मिथ क्या कि एक ऐसी जगह जहां पर सब लोग बिलियनियर हो, जहां सब लोगों के पास बराबर बराबर पैसा हो, क्या वहां पर स्कैसिटी नहीं होगी? जी वहां पर भी स्कैसिटी होगी। एनी इकोनॉमी वेयर इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द पीपल, सरकार सभी पीपल्स को बराबर बराबर पैसा बांट दे, तो क्या वहां स्कैसिटी नहीं होगी? हाँ जी, तो स्कैसिटी क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग एंड डिसाइड विच इफ एनी, अगर कोई है इकोनॉमी विदाउट स्कैसिटी, तो सब किसी भी कोई भी इकोनॉमी ऐसी नहीं होती जो बिना स्कैसिटी की हो, यानी चाहे कितने भी रिसोर्सेज हमारे पास हों वो स्कैस रिसोर्सेज ही होंगे। तो इसके हिसाब से आंसर क्या बनता है, आंसर इज डी, यानी सभी इकोनॉमीज के अंदर, चाहे वो इंडिया के फार्मर वाली इकोनॉमी थी, चाहे एक बिलीनियर वाली इकोनॉमी हो, या सबके पास बराबर पैसा हो, तब भी स्कैसिटी तो एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रो इकोनॉमिक सब्जेक्ट मैटर। हाँ जी, इनमें से कौन सा माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट नहीं है? तो पॉइंट नंबर वन, द प्राइस ऑफ मैंगोज। तो आप सभी को पता होगा प्राइस थ्योरी किसका पार्ट होती है, माइक्रो का पार्ट। मैंगोज के प्राइस डिसाइड करने, डिटरमाइन करने हैं, कौन करता है, माइक्रो। पॉइंट नंबर टू, द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ फायर ट्रक, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग फायर ट्रक फॉर द फर्म, फॉर फायर डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली इंडिया। तो ये भी क्या हो गया, माइक्रो लेवल की बात कर रहा है, फायर डिपार्टमेंट की बात कर रहा है, जिसको एक ट्रक की कॉस्ट पूछ रहा है। तो आपने कॉस्ट वाला चैप्टर भी कहाँ पढ़ा था, माइक्रो में। थर्ड वन, द क्वांटिटी ऑफ मैंगोज प्रोड्यूस्ड फॉर द मैंगोज मार्केट, यानी कि कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस की जाएगी मैंगो मार्केट के लिए, द क्वांटिटी ऑफ मैंगो प्रोड्यूस्ड। तो ये भी क्या हो गया, माइक्रो। एंड लास्ट वन इज द नेशनल इकोनॉमीज एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ, तो देश की ग्रोथ रेट जो कि नेशनल इनकम से बिलोंग करती है, ये आप कहाँ पढ़ते हो, मैक्रो के अंदर। क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रो, कौन सा माइक्रो नहीं है, मतलब कौन सा मैक्रो। आंसर इज डी, द नेशनल इकोनॉमीज एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फोर सेंट्रल प्रॉब्लम दैट द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज सपोज्ड टू आंसर। हाँ भाई, इनमें से विच वन ऑफ द फोर सेंट्रल क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फोर सेंट्रल प्रॉब्लम। पहली, हाँ भाई, वैसे आप सबको पता होगा क्या है पहली प्रॉब्लम, क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरी हाउ टू प्रोड्यूस, तीसरी फॉर होम टू प्रोड्यूस, एंड फोर्थ ग्रोथ, हाउ टू अचीव ग्रोथ ऑफ द रिसोर्सेज। तो पहला पॉइंट, हु प्रोड्यूस व्हाट, कौन क्या प्रोड्यूस करेगा, व्हेन आर गुड्स प्रोड्यूस्ड, कब प्रोड्यूस किए जाएंगे, Who consumers what and how the goods produced, कैसे produce किए जाएंगे। तो इनमें से कौन सा point है बेटा, question number point number B, when are goods produced, कब goods produce किए जाएंगे, इसके बारे में central question ये arise नहीं होता। कौन से question arise होते हैं, who produce what, दूसरा who consumes what, तीसरा who are हाउ आर गुड्स प्रोड्यूस्ड। तो इसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन नंबर 44 के अंदर क्या चीज है जो सेंट्रल
क्वेश्चन नहीं है तो वो है व्हेन आर गुड्स प्रोड्यूस, कब गुड्स को प्रोड्यूस किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी दैट डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज। तो आप सभी को याद होगा इस बारे में, आप ट्वेल्थ में भी पढ़कर आए हो कि प्रॉब्लम ऑफ अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज माइक्रो में पढ़ाई जाती है ना कि मैक्रो में। तो आंसर में क्या आया, माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, द टर्म इकोनॉमिक्स ओज इट्स ओरिजिन टू द ग्रीक वर्ड। कौन सा ग्रीक वर्ड है जो इकोनॉमिक्स के लिए यूज किया जाता है, तो वो क्या है, ओइकोनोमिया। ये आपको याद होगा, हमने पिछले वीडियो में भी ये डाला था। तो आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, इकोनोमिया मींस, इसका मतलब क्या होता है, ये भी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, हाउस होल्ड। क्या बोलते हैं इसको, हाउस होल्ड, यानी आंसर इज बी। देन क्वेश्चन नंबर 6060, स्कैसिटी इज अ सिचुएशन इन विच, स्कैसिटी एक सिचुएशन है जिसके अंदर पॉइंट नंबर 1, वॉन्ट्स एक्सीड्स द रिसोर्सेज अवेलेबल टू सेटिस्फाई देम, यानी क्या बोल रहा है, वेयर वॉन्ट्स इज ग्रेटर देन रिसोर्सेज। हाँ, ऐसा कुछ लगता तो है। समथिंग इज बींग वेस्टेड, मतलब ही नहीं है। पीपल्स आर पुअर, जी नहीं। तो आंसर क्या निकल के आता है इसका, ए, वॉन्ट एक्सीड्स द रिसोर्सेज। तो आंसर इज ए। देन क्वेश्चन नंबर 61, इकोनॉमिक चॉइस कैन बी समराइज्ड इन फाइव बिग क्वेश्चंस, पांच बड़े क्वेश्चंस। कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो इकोनॉमिक चॉइस के अंदर आते हैं। हाँ भाई, तो देखिए हमारे पास यहाँ पर ए बी सी डी चार पॉइंट हैं, जिनमें से विच वन इज द आंसर, तो आंसर इज वॉट, डी। देखते हैं क्यों। पहला क्वेश्चन अराइज होता है वॉट, क्या प्रोड्यूस करें, हाउ, कैसे करें, वेन, कब करें, वेयर, कहां करें, हु, कौन करेगा प्रोड्यूस। तो ये फाइव बिग क्वेश्चन हैं जो इकोनॉमिक चॉइस अराइज करते हैं। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर क्या हुआ इसका, तो इसका सॉल्यूशन क्या हुआ, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ, मैक्रो इकोनॉमिक किसकी स्टडी करती है, ऑल एस्पेक्ट ऑफ स्कैसिटी, बहुत छोटा टर्म है। दूसरा, द नेशनल इकोनॉमी एंड द ग्लोबल इकोनॉमी एज अ होल, हाँ जी कुछ दिखाई दे रहा है, पहचाना हुआ, एज अ होल। तीसरा, बिग बिजनेसेस, मतलब ही नहीं है। फोर्थ, द डिसीजंस ऑफ इंडिविजुअल बिजनेस एंड पीपल, नो। आंसर इज बी, द नेशनल इकोनॉमी एंड द ग्लोबल इकोनॉमी एज अ होल।